सब्सक्राइब करें किची की पहली चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ट्रिक पहेली। इसमें आपको अपना दिमाग मैथमेटिकली चलाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ किची और स्वागत है आप सभी का किची की पहेली इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरे लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में पूछा था इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका आंसर है बेंगलुरु। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं मेरी आज की ट्रक पहेली पर। दोस्तों एक गांव था, वहाँ लोगों को शहर की तरफ जाने के लिए एक ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता था। उस ब्रिज की टोटल लेंथ 30 किलोमीटर है और वह ब्रिज एक बार में 1000 किलो ही वजन उठा पाता है, मतलब 1000 किलो वजन तक की गाड़ियां ही उस पर से जा सकती है, और अगर 1000 किलो से एक ग्राम भी ज्यादा हुआ तो वो ब्रिज टूट जाएगा। तभी एक ट्रक को उस ब्रिज को क्रॉस करना था। उस ट्रक का एग्जैक्ट वजन 1000 किलो था, तो इसलिए वो ट्रक धीरे धीरे उस ब्रिज को क्रॉस करने लगा। धीरे धीरे चलते हुए उस ट्रक ने 15 किलोमीटर क्रॉस कर लिया था। तभी ऊपर से एक पक्षी आया जिसका वजन था करीब 200 ग्राम। वो उस ट्रक पर आकर बैठ जाता है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि क्या उस पक्षी के बैठने से वो ब्रिज टूट जाएगा या फिर वो ट्रक धीरे धीरे उस ब्रिज को क्रॉस कर लेगा। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप मुझे आंसर कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ क्या है इसका आंसर। वो ट्रक इजीली उस ब्रिज को क्रॉस कर लेगा। आइए समझते हैं कैसे। दोस्तों ट्रक का एग्जैक्ट वजन था 1000 किलो और ट्रक 15 किलोमीटर क्रॉस कर चुका था। इतना चलने के बाद सो ऑब्वियस उसका कुछ फ्यूल भी खत्म हुआ होगा। अगर हम मिनिमम आइडिया लगाए तो वो फ्यूल 200 ग्राम से ज्यादा ही हुआ होगा। तो उस पक्षी के बैठने से उस ट्रक के वेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और वो ट्रक उस ब्रिज को इजीली क्रॉस कर लेगा। तो दोस्तों देखा आपने ट्रक ने कैसे ब्रिज क्रॉस कर लिया। जैसे जैसे ट्रक चलता गया उसका फ्यूल भी कम होता गया, उसी वजह से पक्षी के वेट का ट्रक पर कोई भी असर नहीं पड़ा। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी पहेली मुझे कमेंट जरूर करना। अब टाइम है मेरे आज के क्वेश्चन का, जिसका जवाब मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज का मेरा क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ SBI, आपको उनका नाम बताना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू व्यूअर्स।